रसोई में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही फेमस और टेस्टी रेसिपी छोले भटूरे। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखें इसे कैसे बनाते हैं। छोला भटूरा बनाने के लिए मैंने भटूरा के लिए 2 कप मैदा लिया है, 1/3 कप सूजी है, 1/2 कप दही है, दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, नमक है, चीनी है और बेकिंग सोडा है। छोला बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम काबुली चना लिया है, जिसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया है, और 3 मीडियम साइज के प्याज है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, नमक है, हरा मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, टमाटर है, इसको प्यूरी बना लेंगे, हींग है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, काला नमक है, छोला मसाला है, अमचूर पाउडर है, कसूरी मेथी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, तेज़पत्ता है, जीरा है, बड़ा इलायची है, 3-4 लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। अब इसमें सूजी डाल देंगे, इसके बाद दही डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सूजी और दही अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाए, और इसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक रख देंगे और 1/2 चम्मच चीनी रख देंगे, जितना नमक रखेंगे उतना चीनी रखेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा रख देंगे, बेकिंग पाउडर नहीं रखेंगे। अब इसमें मैदा मिला देंगे, हाथ से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसको गूंथ लेंगे, आटा सॉफ्ट ही गूंथेंगे, ज़्यादा कड़ा नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे, अब इसको ढक कर कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब छोला बनाने के लिए चना को कुकर में डाल देते हैं, इसमें पानी डाल देंगे जो अच्छी तरह से डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें दालचीनी रख देते हैं, लौंग रख देते हैं, तेज़पत्ता रख देंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, और 1/2 चम्मच नमक रख देते हैं, और इसको ढक्कन लगाकर 7-8 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। जब तक चना उबल रहा है तब तक हम लोग इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें तेल डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच, और इसमें जीरा डाल देंगे, 1 बड़ा इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और इसको थोड़ा चटकने देंगे, हींग डाल देंगे, अब इसमें प्याज डाल देते हैं, अब इसको भूनते रहेंगे जब तक थोड़ा इसका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज को भूनते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट रख देते हैं, और इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं और इसको कुछ देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ता है, जीरा पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर। अब इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक किनारे से तेल छोड़ने नहीं लगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले नहीं, फिर इसको भूनना शुरू कर देंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, किनारे से तेल छोड़ने लगा है, चना भी उबल चुका है, इसको दबा कर देखते हैं, दब रहा है या अच्छी तरह से पक चुका है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कुक हो जाता है। अब चना को इसमें डाल देते हैं, अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, चना अच्छी तरह से मसाला में मिल चुका है। अब इसमें पानी डाल देते हैं,
अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक पहले भी डाले थे इसलिए कम डाल रहे हैं। अब इसको ढक्कन से ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। इसको पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं। यह अच्छी तरह से पक चुका है, ग्रेवी भी ठीक है। ठंडा होने पर थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगा देते हैं। इसके लिए कलछी में 2 बड़ा चम्मच घी डाला है, 3 हरा मिर्च डाल देते हैं। हरा मिर्च को बीच से चीर दिया है और इसमें अदरक का लच्छा डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा चटकने देंगे। अब यह चटकने लगा है, गैस को बंद कर देंगे और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब इसको ऐसे मिलाकर छोला के ऊपर डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा छोला बनके तैयार हुआ है। अब हम लोग इसका भटूरा बना लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब इसका लोई काटते हैं। अब इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा चिपक रहा है इसलिए थोड़ा सा मैदा हल्का सा लगा देते हैं। अब इसको बेल लेंगे। साइज आप अपने मन पसंद अनुसार छोटा या बड़ा बना सकती हैं। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा कढ़ाई लेना पड़ेगा, उसमें तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा। न ज़्यादा मोटा होना चाहिए न ज़्यादा पतला होना चाहिए, बीच का साइज होना चाहिए इस तरह का। देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको साइड से डालेंगे ताकि तेल हमारे ऊपर पड़े नहीं। अब इसके ऊपर तेल ऐसे ऐसे डालते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा फूला है। अब इसको फिर पलट देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बड़ा भटूरा बनाना है तो इसे भी बड़ा कढ़ाई लीजिएगा तो अच्छी तरह से फूलेगा, उसको जगह मिलना चाहिए। अभी एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। छोला भटूरा ऐसा चीज़ है कि सबको इससे बहुत ही लगाव होता है। अब इसमें इसको डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले ही की तरह दूसरा भी भटूरा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भटूरे भी इसी तरह बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा छोला भटूरा बन के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बस बनाइए, सब लोग बहुत ही पसंद करेंगे। आप एक बार बना कर तो देखिए, यह ऐसा चीज है कि सब लोग इसे हर बहुत ही चाव से खाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। Thank you for watching my video.